जनाब आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप नया कीवर्ड सर्च करो, लॉन्ग टेल प्रो में जाके बैठो, एडवर्ड्स में जाके बैठो, आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाओ और पता नहीं कितने बेताशा कीवर्ड्स हैं उनके अंदर जाके आपको नया यूनिक सा कीवर्ड ढूंढो जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो और ये हो वो हो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट और सारे चीजें बताते हैं। मैं तो आपसे सिंपल सा कह रहा हूँ जनाब, आपके लिए रिसर्च कर दी गई है, सारी वेबसाइट्स ने बता दिया है, आपने जाना है वेबसाइट पिक करनी है, उसके कीवर्ड देख लेना जी किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, कौन से कीवर्ड्स हैं, ऑन विच कीवर्ड्स कीवर्ड द वेबसाइट द ओनर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, नॉट वर्किंग से मुराद ये कि उसने जो है उसके ऊपर बैकलिंक्स नहीं बनाए हुए होंगे या उसके ऊपर कॉन्टेंट नहीं लिखा होगा लेकिन फिर भी रैंक कर रहा होगा, वो कीवर्ड जो है ना आपके लिए गोल्डन कीवर्ड है। ठीक है, गोल्डन कीवर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने अगर वर्किंग की तो आप बना लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, एक वेबसाइट है वो रैंक कर रही है, वेबसाइट क्वेश्चन आपसे है, वेबसाइट है और वो रैंक कर रही है, रैंक कर रही है, रैंक आर ए एन के रैंक कर रही है, कीवर्ड लेट्स सपोज कीवर्ड उसका है कीवर्ड ए बी सी डी जो भी कीवर्ड है, ठीक है, और आपसे और उसके ऊपर नो बैकलिंक हो, ठीक है, या जीरो बैकलिंक, नो बैकलिंक कह रहे हो या जीरो बैकलिंक हो, जीरो बैकलिंक हो, और वो रैंक कर रही हो पेज वन और फर्स्ट पोजीशन पे फॉर दैट कीवर्ड कीवर्ड, ठीक है। तो मेरा ये सिंपल सा सवाल है आपसे कि आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होगी उसको बीट करने के लिए। ठीक है, बेटर कंटेंट, अच्छा, और उसके बाद और क्या रिक्वायर्ड होगा जनाब, आपका कंटेंट चलो वही जो आपने लिखा हुआ है उसी टाइप का या उसका एवरेज है जो भी है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर पांच बैकलिंक्स, दो बैकलिंक्स, एक बैकलिंक्स अच्छा तरीके से अथॉरिटी जो भी आपका तरीके से अगर आप बनाते हो तो क्या होगा।